ट फियर्स वी सेट, वी ओवरकम दैम बाय एक्शन टूडे इज ट्वेंटी थर्ड ऑफ अप्रैल टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी रैपिड जी के यस्टर्डे क्वेश्चन के आंसर्स हैं इंडिया का रैंक है वन हंड्रेड एंड फोर्टी टू वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिपोर्ट के द्वारा रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर एन जी ओ ने इसको रिलीज किया है एलिफेंटा केव सिचुएटेड है महाराष्ट्र में कूनो नेशनल पार्क सिचुएटेड है मध्य प्रदेश में यहाँ गिर के लायंस का ट्रांसलोकेशन की बात चल रही है बिलीव वॉट लाइफ एंड क्रिकेट टॉटमी इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ मिस्टर सुरेश रैना संजय बारूजी का है इंडियाज पावर इलीट क्लास कास्ट एंड अ कल्चरल रिवोल्यूशन सार्गेसो सी में ये चार करेंट्स आते हैं द सी इज बाउंडेड बाय वेस्ट में है गल्फ स्ट्रीम नॉर्थ में है नॉर्थ अटलांटिक करंट ईस्ट में है कैनरी करंट एंड साउथ में है नॉर्थ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट और ये यहाँ पे ऐसे गायर फॉर्मेशन हो रहा है अटलांटिक ओशन आज के सवाल है हु इज द फर्स्ट चीफ ऑफ नेसकॉम अभी रिसेंटली अपॉइंटमेंट हुआ है नाम बताइए हाउ मेनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट आर देयर इन इंडिया नेम द लेटेस्ट एडिशन वॉट डज ईच स्टार यूनाइटेड स्टेट्स का फ्लैग है उसमें बहुत सारे स्टार्स हैं यहाँ पे वॉट डज ईच स्टार ऑन द फ्लैग ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स स्टैंड फॉर इन विच कंट्री इज द वर्ल्ड वाटर वॉटरफॉल इज लोकेटेड द स्मॉलेस्ट कंट्री इन दर्ल्ड एंड इन टू विच सी डिस आज की वोकेबुलरी है फटिक फटिक का मतलब होता है स्टेट ऑफ एक्सट्रीम टायर्डनेस एंड लैक ऑफ एनर्जी कोविड नाइनटीन बिहेवियर में फटिक नजर आया रायली सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन इन अ वे दैट एक्सप्रेस ड्राई एस्पेश मॉकिंग एंड दिस रायली जो गवर्नमेंट ऑक्सीजन सप्लाई शॉर्टेज हो रहा है उस पर सुप्रीम कोर्ट का ये ऑब्जर्वेशन है इमपेडिमेंट है इम्पेडिमेंट मतलब बाधा रुकावट हिंड्रेंस है और ऑबस्ट्रक्शन है इन डूइंग समथिंग ऑन देअर फीट पुलिस जो है वो भी ऑन देअर फीट है मतलब स्टैंडिंग अपराइट एंड अलर्ट एवरी पॉसिबल केयर जो वो कर सकते हैं कोविड नाइनटीन पेंडेमिक में दे आर डूंग्यूटी रेल इन क्वेश्चन का मतलब होता है टू विदड्रॉ और रिट्रीट फ्रॉम लीव बिहाइंड सो दीज आर समबुलरी वर्ड्स। इफ यू कम अक्रॉस एनी अदर इंपॉर्टेंट वर्ड राइट डाउन दैट वर्ड अलॉन्ग विद इट्स मीनिंग इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो आज के टॉपिक्स हैं ऑक्सीजन सप्लाई ये एक मैथड है वॉट इज प्रोनिंग विल लर्न अबाउट इट दिस इज ऑक्सीजन ट्रेन इंडियन एयरफोर्स जजेज प्रोटेम एडिटोरियल है वेरी गुड आर्टिकल आर्टिकल टू टू फोर ए ग्रीन एंड रॉ इसमें हम बात करेंगे ट्राइब्यूनल्स का मेकिंग एजुकेशन एक्सेसिबल अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक देन दिस इज यूज गवर्नमेंट रिसोर्सेज यू एस कट करेगा एमेजन बाय फिफ्टी टू परसेंट बाई ट्वेंटी थर्टी और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में क्या बोला विल है लुक दिस इज रिजर्व बैंक गवर्नर शक्तिकांता दास साहब इकोनॉमिक रिकवरी में फिर से अभी रुकावट आ रही है दैट इज दिस कोविड नाइनटीन सी वैक्सीनेशन का कॉस्ट क्या होगा और यह है प्रेस की स्वतंत्रता एंड दिस इज सी सर्टेन क्वेश्चंस सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दिज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन नेक्स्ट अबाउट थर्टी टू फोर्टी मिनट अवर रेफरेंस मटीरियल इज दिस द हिंदू दिस इज इंडियन एक्सप्रेस एंड बोथ आर डेली एडिशन सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू दिस इज़ कोविड नाइन्टीन रिलेटेड न्यूज़ सेंटर क्रैक्स डाउन ऑन कर्ब टू ऑक्सीजन मूवमेंट अपसी कोविड नाइन्टीन में ये जो नया स्ट्रेन आया है इसमें एक चीज़ देखने को आ रहा है कि ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है और इसके कारण ऑक्सीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइमली ऑक्सीजन सप्लाई करना ऑक्सीजन बिकॉज इतने लार्ज स्केल के लिए हम प्रिपेयड होते नहीं हैं सो ऑल ऑफ अ सडन जब इतने ज़्यादा केसेस आ जा जाते हैं ना तो जो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमारा क्रिपल डाउन हो जाता है सीवियर शॉर्टेज हो जाता है तो दैट इज़ वॉट वी आर फेसिंग राइट नाउ और फिर जब इतना ज़्यादा शॉर्टेज हो रहा है पैनिक है तो जब हम पैनिक में आते हैं तो फिर हम गलतियाँ करते हैं जब हम पैनिक में होते हैं तो हमसे मिस्टेक्स होने लग जाती है दिस इज़ द प्राइमरी रीज़न कि अभी जैसे नासिक में एक्सीडेंट हुआ दिल्ली में अभी फायर फाइटर फायर सो ये जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं ना इट्स ऑल बिकॉज वी आर पैनिकिंग सो वॉट वी नीड टू डू इज़ डू नॉट पैनिक एंड सिस्टेमेटिकली हम अप करें एसेंशियल सर्व जो भी सर्विसेज हैं एट द सेम टाइम एवरी सिंगल स्टेक होल्डर चाहे वो कोई भी हो हर किसी को अपना एक्ट करना है रेस्पॉन्सिबली रेस्पॉन्सिबली एक्ट करें कलेक्टिव एफर्ट से ही हम इस कोविड नाइन्टीन पेंडेमिक को फाइट कर सकते हैं वी एक्सपेक्ट नैशनल प्लान फ्रॉम सेंटर ऑन ऑक्सीजन ड्रग्स सुप्रीम कोर्ट ने भी ये ऑब्जर्वेशन दिए सेंटर क्रैक्स डाउन ऑन कर्ब्स टू ऑक्सीजन मूवमेंट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ये जो डी एम्स होते हैं एस एस पीज होते हैं इनको बोला गया कि आप फ्री पैसेज करो व्हीकल्स का जिससे हमने कल ग्रीन कॉरिडोर देखा था सो so दैट ये जो सप्लाईज़ है ऑक्सीजन सिलेंडर का इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज का स्टाफ का एट्सेट्रा इसमें किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं हो फ्री पैसेज ऑफ व्हीकल्स सो द पॉइंट इज इसमें नॉट ओनली मेडिकल प्रैक्टिशनर पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन इवन ऑर्डिनरी सिटीजन दिस इज़ नॉट द टाइम टू ब्लेम गेम इट इज़ नॉट द टाइम टू क्रिएट एंट्रोपी जो होना था वो अभी इन पास्ट है बाद में देखेंगे राइट ना हो अभी हमारी इमिजिएट प्रायोरिटी है सेव लाइव्स ये जिंदगियां बचानी है दैट्स ऑल वैक्सीनेशन ऑल एटीन प्लस का फर्स्ट ऑफ मे से स्टार्ट हो जाएगा अभी आई वॉज लुकिंग सर्टेन जो इन्फोग्राफिक्स हैं वन आई सी एम आर और एम्स का भी एक शेयर किया है उन्होंने आई हैव शेयर दैट इन टेलीग्राम हैव अ लोक ये एक और मैथड है वॉट इज़ प्रोनिंग 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 क्या होता है कि जैसे हमने अभी कुछ दिन पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम देखा था जब हमारे लंग्स में अटैक होता है कोविड का तो ऑक्सीजन की सप्लाई हमारी बॉडी में कम होने लग जाती है ये 97, 98 प्लस होना चाहिए 95 कम हो रहा है 90 से कम हो रहा है तो स्टार्ट दिस आप डॉक्टर का कंसल्ट करें अब सी इसमें एक ये मेथड होता है ऑल इसमें आई ट्राई टू लुक फॉर सर्टेन ऑथेंटिक सोर्सेज सब जगह ने ये चीज़ बताया कि सर्टेन डिग्री इट हेल्प्स अप टू अ सर्टेन डिग्री इट हेल्प्स ये एक सिंपल टेक्निक है ये रिक्वायर करता है पेशेंट को टू लाई ऑन देर बेली ऐसे आपको लेटना है विथ चेस्ट एंड फेस डाउन इससे क्या होता है ऑक्सीजन का फॉर क्विक हमारे बॉडी में परसेंटेज जो है वो इंक्रीज होता है इमीजिएट हमें रिलीफ रिलीफ मिलता है अभी लॉन्ग लास्टिंग है या नहीं दैट्स अनदर थिंग साथ ही साथ प्रॉपर मेडिकेशन भी करना है बट इफ़ यू आर फीलिंग अनकंफर्टेबल ट्राई दिस टेक्निक इट शुड हेल्प दिल्ली पुलिस ऑन देअर फीट है कीप द कैपिटल ब्रीदिंग बहुत सारे हॉस्पिटल्स जैसे साउथ के भी कुछ हॉस्पिटल्स हैं वहाँ से डॉक्टर्स को भी एयरलिफ्ट किया जा रहा है जहाँ पे हॉटस्पॉट है और डॉक्टर्स का सीवियर शॉर्टेज हो रहा है ये एक स्पेशल डिलीवरी है टैंकर्स लोडेड ऑन ट्रेन वैगन टू ट्रांसपोर्ट मेडिकल ऑक्सीजन टू लखनऊ ये जो भी न्यूज़ देख रहे हैं ना हमारे कॉन्टेक्स में इन सब से आप आइडियाज़ लेते जाओ केस स्टडी आएगा कि आप डी एम अचानक कोविड से रिलेटेड ये चैलेंज आ गया है आप क्या करोगे तो आपकी जो सोच है ना वो ऐसे मल्टी डायमेंशनल होनी चाहिए हर एंगल से सोचना है हेल्थ केयर से लॉ एंड ऑर्डर से सप्लाई से पेशेंट्स को कैसे देखना है पैंडमिक को कैसे देखना है इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक क्या इम्पैक्ट आएगा उसको कैसे देखना है ये मल्टी मल्टीप्रोन्ज्ड राइट रियल टाइम पे थिंकिंग डेवलप करना है और उसमें ये जो है ना ये बहुत अच्छे आइडियाज़ है जैसे ऑक्सीजन का ट्रेन वैगन मेडिकल ऑक्सीजन लखनऊ से आ रही है ऑक्सीजन ट्रेन्स टू सेट ऑफ फॉर महाराष्ट्र एंड देन हमारी आर्म फोर्सेस तो हमेशा हेल्प करती हैं ये सी सेवेंटीन और आई एल सेवन सिक्स एयरक्राफ्ट है ऑक्सीजन कंटेनर को ही पूरा पूरा ये ऐसे ट्रांसपोर्ट करवा रहे हैं दैट्स वंडरफुल ये बड़े बड़े टैंकर हैं ये जो ऑक्सीजन के ट्रक्स हैं इसी को पूरा प्लेन के थ्रू ये एक डेस्टिनेशन से दूसरी जगह ऐसे रिफिल के लिए भेज रहे हैं तो दिस इज़ वन थिंग तो अगर केस स्टडी में ऐसा कुछ आता है तो सबसे पहले हमें देना है इमीडिएट प्रॉब्लम इमीडिएट प्रॉब्लम क्या है उसका सॉल्यूशन इमीडिएट प्रॉब्लम है सेव लाइफ अब आंसर ये लिखने नहीं बैठ जाएंगे कि कोविड ऑक्सीजन का शॉर्टेज हुआ तो हम एक रिपोर्ट बनाएं ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स बनाएं डिस्ट्रीब्यूशन करें ये लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन होगा राइट right नाउ कहीं से भी करके आपको अरेंज करना है ऑक्सीजन और इन पेशेंट्स का लाइफ बचाना है तो हमेशा केस स्टडी में दो चीज़ ध्यान रखना है पहला इमीजिएट जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करें देन जब इमीजिएट प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए देन फिर देखें लॉन्ग टर्म में कि ये प्रॉब्लम हुई क्यों और उसके फिर परमानेंट सॉल्यूशंस फाइंड करने का ट्राई करें सो दिस इज द अप्रोच ये कोविड नाइन्टीन अब जो नेक्स्ट है जजेस प्रोटेम जजेस प्रोटेम बिफोर दैट मोस्टली न्यूज है यहाँ पे कोविड नाइन्टीन बहुत सारी न्यूज वी आर नॉट गोइंग टू कवर पैनिक नहीं क्रिएट करना है वैक्सीनेटेड टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम कोरोना दैट्स द मैसेज स्टे सेफ खुद का ख्याल रखें स्वस्थ रहें यही सबसे बड़ी हेल्प है दिल्ली पुलिस कैपिटल ब्रीदिंग दिस इज अगेन कोविड नंबर्स आर नॉट एट ऑल गुड दिस इज जजेस प्रोटेम जजेस प्रोटेम ये हमारे कॉन्टेक्स्ट में है पॉलिटी में आज दो तीन आर्टिकल्स हैं सब में जुडिशरी की बात है ये भी जुडिशरी है ये भी ट्राइब्यूनल है और यहाँ पे थोड़ा क्रिटिसिज्म है अभी प्रजेंट सी जे आई का चेकर्ड लेगेसी सो लेट्स ट्राई टू कवर दिस जुडिशरी सेक्शन टूडे यू हैव योर लक्ष्मीकांत उसको अभी हम रेफर करेंगे जजेस प्रोटेम सी अभी क्या हुआ कुछ टाइम से न्यूज़ ये आ रहा है कि जैसे हमारे यहाँ इंटीग्रेटेड जुडिशरी होती है नीचे वाली कोर्ट है फिर हाई कोर्ट है फिर सुप्रीम कोर्ट है ये कहलाती है एपेक्स कोर्ट अब जैसे अलग अलग हाई कोर्ट है हमारे यहाँ हर राज्य में ऑलमोस्ट एक हाई कोर्ट है ऑल ये मैंडेटरी नहीं है बट एवरी स्टेट में ऑलमोस्ट दे आर हैविंग वन हाई कोर्ट और ये जो हाई कोर्ट्स है ना इसमें जजेस कितने होंगे जजेस का ट्रांसफर कैसे होगा अपॉइंटमेंट कैसे होगा ये सब चीज़ का ध्यान रखता है ये कोलेजियम सिस्टम कोलेजियम सिस्टम एनजे आया था वो क्वाश हो गया था कोलेजियम सिस्टम अभी है यहाँ पे फर्स्ट जज केस सेकेंड जज केस थर्ड जज केस है लुकेट नोट्स अब ये जो कोलेजियम सिस्टम है इसने नाम अपॉइंट किए जजेस के रिकमेंड किए गवर्नमेंट का क्लियरेंस चाहिए वहाँ पे बट यहाँ बात ये थी कि गवर्नमेंट को कितने टाइम पे क्लियरेंस देना है जैसे हम प्रेसिडेंट का पॉकेट वीटो देखते हैं उसमें टाइम मेंशन नहीं है कि कितने टाइम पे प्रेसिडेंट वहाँ पे पॉकेट वीटो का मतलब वैलिडिटी कितना है सिमिलरली यहाँ पे गवर्नमेंट क्लियरेंस देगी बट इन हाउ मच टाइम तो इसमें डिले हो रहा है और इसके कारण एक सीवियर शॉर्टेज हो रहा है जजेस का सीवियर शॉर्टेज हो रहा है और केसेस पेंडिंग हो रहे हैं तो जुडिशरी फिर एडहॉक जजेस के ऊपर अभी ध्यान दे रही है एडहॉक जजेस एडहॉक जजेस क्या होते हैं प्रोटेम जजेस प्रोटेप रिटायर्ड हाईकोर्ट जजेस को क्लियर बैकलॉग करने के लिए रेगुलर अपॉइंटमेंट नहीं बट उनको यहाँ पे रोपिन करेंगे सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है कि एक डोरमेंट प्रोविज़न था कॉन्स्टिट्यूशन में कि हम जो रिटायर्ड हो गए हैं जजेस उनको वापस बुलाए ताकि जो इतना सारा काम हो गया उसका क्विकली दिस डिलीवरी हो पाए तो ये डोरमेंट प्रोविज़न है डोरमेंट प्रोविज़न मतलब ऑर्डिनरी सरकमस्टेंसेज में इसको यूज़ नहीं करना है जैसे बाबा साहब ने भी बहुत सारे प्रोविजंस दिए थे नेशनल नेशनल जो इमरजेंसी लगती है या फिर प्रेसिडेंट रूल लगता है स्टेट में वो रेयर टू रेयर केसेस में होना चाहिए सिमिलरली ये एडहॉक जजेस का जो कॉन्सेप्ट है ये रेयर टू रेयर केसेस में होना चाहिए रेयर टू रेयर सरकमस्टेंसेज में कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है डोरमेंट प्रोविज़न इससे अपॉइंटमेंट हो सकता है रिटायर्ड जजेस का एडहॉक जजेस की तरह ताकि जो माउंटिंग एरियज हैं वेरियस हाई कोर्ट्स में इंडिकमेंट ऑफ एक्स्ट्राऑर्डनरी डिले हो रहा है शॉर्टेज ऑफ जजेस के कारण उसको हम अप कर पाए सो दिस इज नॉट अलकम दिस इज नॉट नॉर्मल वे बट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वे तो ये अभी एडॉक्ट जजेस का प्रोविजन है वेदर द फॉल्ट लाइज विद कोलेजियम सिस्टम या सेंटर का टार्डिनेस कि इतना स्लो क्यों है जुडिशरीर इज लिटिल डाउट दैट अनएक्सेबल डिले इन द अपॉइंटमेंट प्रोसेस इन रिसेंट टाइम हैज कॉज्ड ह्यूज वैकेंसीज इन द हाई कोर्ट वैकेंसीज और इससे क्या होता है जस्टिस डिले होता है जस्टिस डिलेड इज जस्टिस जस्टिस हरेड इज जस्टिस बरेड सो इधर भी एक्सट्रीम में नहीं जाना है और इधर भी एक्सट्रीम में नहीं जाना है अगेन बेस्ट वे जो होता है वो गोल्डन मीन दैट इज मिडल वे बेंच हेडेड बाय सीजे आई बोबड़े साहब ने क्लियर किया चैलेंज ऑफ माउंटेन एरियज है एरियर्स मतलब बैकलॉग पुराना एग्जिस्टिंग वेकेंसीज रिक्वायर आर्टिकल टू टू फोर ए की ज़रूरत है रिकोर्स जो कि एडहक जजेस के बारे में बात करता है बैकलॉग सत्तावन लाख है वैकेंसी चालीस प्रतिशत है तो इसलिए अब दो दो चार ए का जरूरत है इसका प्रोविज़न ये था कि ये स्पेरिंगली यूज होना चाहिए जब वैकेंसीज ट्वेंटी परसेंट से ज़्यादा हो जाए अभी फोर्टी परसेंट है देन स्पेशल केसेस के लिए आप उन एडॉक्ट जजेस को बुला सकते हो जो रिटायर्ड जजेस हैं और इनका टेन्यर भी ज़्यादा ऐसा टू थ्री ईयर्स अराउंड यू कैन से अब यह कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है जुडिशरी के लिए यह ज़रूरी है कि ओनली रिटायर्ड जजेस विद एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज आर ऑफर्ड द टेम्पररी पोजिशन एंड देर इज नो हिंट ऑफ फेवरेटिज्म ये जो अपॉइंटमेंट है ना इस पर हमने कल पुलिस चीफ की भी बात किया था पुलिस चीफ का अपॉइंटमेंट होना चाहिए वो एक फ्री एंड फेयर वे में होना चाहिए सो so दैट उसके पास थोड़ा फंक्शनल ऑटोनॉमी भी हो और एक रेस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसपेरेंसी कॉन्फिडेंस आए सिमिलरली ये जो एडहॉक जजेस का अपॉइंटमेंट होगा इसका बेसिस क्या होगा क्या यहाँ पे फेवरेटिज्म तो नहीं होगा जुडिशरी पे सवाल तो नहीं उठेंगे इन सब चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी है अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस तो फर्स्ट लेवल पे तो ये जो रिकमेंडेशन है इसको हम क्विकली क्लियर करें सो so दैट ये जो फोर्टी परसेंट वैकेंसी है इसको फुलफिल करें ये जो बैकलॉग ऑफ केसेज है इसको तुरंत क्लियर करें सेकेंड अगर एडहॉक जजेस की ज़रूरत पड़ भी रही है तो उनका जो अपॉइंटमेंट है वो एकदम ट्रांसपेरेंट होना चाहिए अब इसमें हमें सवाल प्रिपेयर करना है गिव अ क्लियर अकाउंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंक्शंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन क्या है सुप्रीम कोर्ट के आप बताइए और क्या क्या फंक्शंस होते हैं फंक्शंस मतलब जैसे ओरिजिनल जोरिस्डिक्शन होता है एपेलट होता है सर्टेन केसेस में इंटर स्टेट है सेंटर स्टेट है ऐसे डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस है प्रेसिडेंट को कब ये प्रेसिडेंट को कब ये दिस सलाह देते हैं आर्टिकल 142 क्या होता है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्या है यू कैन राइट डाउन ऑल दीज थिंग्स सो सुप्रीम कोर्ट पर हमें ये आज एक नोट प्रिपेयर करना है अब जो सेकेंड है एडिटोरियल वो है ग्रीन एंड रॉ ग्रीन एंड रॉ दिस इज़ अबाउट ट्राइब्यूनल ट्राइब्यूनल भी एक स्पेशल टाइप ऑफ कोर्ट्स होते हैं ट्राइब्यूनल में जो केसेस आते हैं वो एक पर्टिकुलर टाइप के केसेस आते हैं जैसे एनवायरमेंट का ट्राइब्यूनल हो गया एडमिनिस्ट्रेशन का ट्राइब्यूनल हो गया कुछ टाइम से गवर्नमेंट ने बहुत सारे ट्राइब्यूनल्स को बंद भी कर दिया है जैसे फिल्म सर्टिफिकेशन का ट्राइब्यूनल कुछ दिन पहले एक देखा बंद हो गया तो ग्रीन एंड रॉ अब एक और चीज़ होती है जो रेगुलर कोर्ट होती है ना उसमें जो अपॉइंटमेंट होता है जजेस का वो आता है बाय कोलेजियम बट जो ट्राइब्यूनल में अपॉइंटमेंट होता है वो होता है डिस्क्रिप्शन ऑफ गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट कई बार सोचती है कि ट्राइब्यूनल में अगर गवर्नमेंट को फेवर करने वाला जज है तो केसेस को ट्राइब्यूनल की तरफ ले जाएं बजाय रेगुलर कोर्ट्स में इससे गवर्नमेंट का वर्क इजी हो सकता है तो ट्राइब्यूनल का भी अक्सर जो क्रिटिसिज्म होता है वो होता है फेवरेटिज्म का अपॉइंटमेंट्स में ट्राइब्यूनल्स की नेसेसिटी क्या हो कई बार जो जुडिशरी है रेगुलर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है ये एक स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन पॉइंट भी उठाते हैं कि ट्राइब्यूनल को क्यों हम इतना ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं बिकॉज दिस ट्राई टू अंडरमाइन दिस दिस ऑपरेशन केपेबिलिटी ऑफ जुडिशरी सो दिस इज ऑल्सो वन थिंग अपॉइंटमेंट अगेन अपॉइंटमेंट ग्रीन एंड रॉ अपी एस्टेब्लिशमेंट हुआ ट्राइब्यूनल का एजुडिकेटरी बॉडीज हैं स्पेसिफिक फील्ड्स के लिए मतलब एक पर्टिकुलर टाइप की कोर्ट है और यहाँ पर्टिकुलर टाइप की कोर्ट है तो यहाँ स्पेशलाइजेशन होगा एक्सपर्टीज होगा कॉम्प्लेक्स केसेस का जिनकी टेक्निकल नेचर है जैसे एनवायरनमेंट का कोई केस आया उसमें बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट रिलेटेड लॉज हैं एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट जैसी चीज़ें दी हुई है तो देर इज़ लॉट ऑफ टेक्निकलिटी ये टेक्निकलिटी हो सकता है रेगुलर जजेस को नहीं आती है तो उसके लिए जो ट्राइबूनल में होते हैं स्पेशलिस्ट सो देट वो टेक्निकल नेचर ऑफ़ केसेस को अंडरस्टैंड कर पाए तो स्पेशलाइजेशन इज़ देयर फॉर पर्टिकुलर टाइप ऑफ केसेस इससे एक्सपीडाइट होता है जल्दी होता है जजमेंट प्रोसेस और ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है स्पेशलिस्ट यहाँ पे होते हैं नॉलेज और एक्सपीरियंस होता है बात फिर से वहीं पे आके रुक जाती है इनका अपॉइंटमेंट कैसे होगा क्राइटेरिया क्या है एट अ टाइम व्हेन द नीड रेलेवेंस एंड कंपोजिशन ऑफ ट्राइब्यूनल्स आर अंडर जुडिशल स्क्रूटनी जुडिशरी इस बात पर स्क्रूटनी कर रही है सेंटर इट सेल्फ एज एबॉलिश समेम जैसे कि फिल्म सर्टिफिकेट का इट वुड बी सैल्यूटरी if the government spelt out with clarity as the court has suggested to the extent to which a bureaucrat's involvement in environmental matters should be regarded as equivalent to expertise iska kya matlab hai ki tribunal mein bureaucrats hote hain executives jo hain उनका अपॉइंटमेंट भी होता है अब कोई ब्यूरोक्रेट है जिसने पूरा जैसे आई ऑफिसर ही है उसने पूरा अपना जो टाइम बिताया है वो से पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में बिताया तो उसको पॉल्यूशन रिलेटेड काफी ज्यादा एक्सपर्टीज हो गई अब उस ऑफिसर का ब्यूरोक्रेट का अपॉइंटमेंट किया जा सकता है नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल में तो इसमें भी एक सेट क्लैरिटी होना जरूरी है इट शुड ऑल्सो शो ग्रेटर अर्जेंसी इन इम्प्लीमेंटिंग अर्लियर सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन कि एक नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन बनाए और वो सुपरवाइज करे अपॉइंटमेंट एंड फंक्शनिंग ऑफ ट्राइब्यूनल तो अगेन बात वही है जैसे कोलेजियम ने कोलेजियम को गवर्नमेंट ने साइडलाइन करने की कोशिश किया एन से तो कोर्ट ने एन को एक वॉश कर दिया बिकॉज कोलेजियम ही डिसाइड कर रहा है कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में किन जजेस का अपॉइंटमेंट होगा सिमिलरली सुप्रीम कोर्ट चाहती है कि ट्राइब्यूनल में भी जो अपॉइंटमेंट हो रहा है चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव वे से आ रहे हैं या फिर ब्यूरोक्रेटिक हैं या फिर जुडिशियल के हैं उनका एक कमीशन के थ्रू अपॉइंटमेंट हो डेडिकेटेड ट्रांसपेरेंट वे में तो ये बात है ग्रीन एंड रॉ बिकॉज अपॉइंटमेंट इज अगेन अ मैटर जिसमें बहुत ट्रांसपेरेंसी क्लैरिटी होना जरूरी है अदरवाइज यहाँ पे सवाल उठते हैं अपॉइंटमेंट में फेवरेटिजम के दिस इज चैकर्ड लेगेसी ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मोस्टली अबाउट दिस क्रिटिकल और कंडक्ट ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर कमेंट्री है दिस इज अट डिस्यूजनमेंट एंड केव है एडमिनिस्ट्रेटिव इनडुलेंस क्यों हुआ केवटिक पब्लिक कम्युनिकेशन क्यों हुआ काउंटर इंट्यूटिव पॉलिसी स्टैंड आउट अभी आप देखना बहुत सारे हेड्स अभी रोल होंगे ब्यूरोक्रेसी पे बहुत ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी क्या स्लीपिंग पॉजिट स्लीपिंग एडमिनिस्ट्रेशन इतना वीकन क्यों हुआ ऑक्सीजन सप्लाई के लिए क्यों ये जिम्मेदार मतलब देखना अभी अकाउंटेबिलिटी सेट होना ज़रूरी है ये डिसीजन स्ट्रिक्ट डिसीजनस होंगे यहाँ पे बिकॉज ब्यूरोक्रेसी का काम ही यही है जब सैरो सर्वे जनवरी फेबररी में बता रहा था कि नंबर्स तेजी से बढ़ सकते हैं सेकेंड वेव आ सकती है तो ब्यूरोक्रेसी क्या कर रही थी एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा था इस बात पर अभी बहुत एक दिस माहौल बन रहा है अकाउंटेबिलिटी सेट करना जरूरी है एंड शुड इलेक्शन कैंपेन बी मेड वर्चुअल दिस इज अगेन हाईली इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर इलेक्शन कैंपेन इन एटसेट्रा जबकि हम कोविड से अभी रिकवर नहीं हुए मेकिंग एजुकेशन एक्सेसिबल सी ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एजुकेशन जो है एक्सेसिबल होना ज़रूरी है लास्ट ईयर आई रिमेंबर इस टॉपिक पे हमने बहुत डिटेल में बात किया हमने हमेशा तीन पिलर रखा एजुकेशन में हमेशा तीन पिलर बहुत ज़रूरी है एक तो वो अफोर्डेबल होना चाहिए जो बच्चे होते हैं इस्पेली जो स्टूडेंट सेक्शन है स्टूडेंट सेक्शन में कभी भी ये डिवाइड नहीं आना चाहिए कि ये रिच है ये पुअर है या फिर ये हैव है या ये हैव नॉट है ये डिवीज़न हमें इस यंग माइंड्स में बिल्कुल नहीं आने देना है दैट इज़ बाय आप देखो स्कूल्स जो होते हैं स्कूल में सबको एक ही यूनिफॉर्म बनाते हैं एक ही यूनिफॉर्म पहनाते हैं सो so दैट सब एक जैसे हैं जो बुक्स होती है वो भी बहुत सब्सिडाइज होती है कम पैसे में सारी बुक्स वगैरह अफोर्ड अफोर्ड कर पाए वो तो एजुकेशन है यहाँ पर हमें ऐसे डिविजन्स नहीं बनाने चाहिए अफोर्डेबल होना ज़रूरी है एक्सेसिबल होना ज़रूरी है क्वालिटी होना ज़रूरी है कमर्शियलाइजेशन हो रहा है वो गलत है कमर्शियलाइजेशन ऑफ एजुकेशन इज रोंग एक्सक्लूसिव होना भी गलत है शुरुआत में हर 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 जो लाइक ऑल चिल्ड्रन आर बॉर्न फ्री उनके पास ग्रेट पोटेंशियल इन फ्यूचर है दे कुड बिकम एनी तो शुरुआत से ही वहाँ पे कंपार्टमेंटलाइज करना एक्सक्लूसिव देना इज़ नॉट राइट इंक्लूसिव होना ज़रूरी है डिजिटल डिवाइड फाइनेंशियल डिवाइड लैंग्वेज बैरियर्स इन सब से ऊपर उठना है तो ये कंटिन्यूसली कुछ हमने पॉइंट्स देखे हैं वॉट चैलेंजेस डू ऑनलाइन क्लासेस पोज अगेन एक्सेसिबिलिटी ऑनलाइन असेसमेंट कैसे करेंगे रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पाता है रेगुलेशन नहीं हो पाता है स्टीप लर्निंग कर है डिजिटल डिवाइड है एजुकेशन जो है वो फंडामेंटल राइट right है देन द राइट टू डिवाइस भी उसमें होना चाहिए कि आप इंटरनेट दो टीचिंग स्किल्स में इंटरनेट में एक डिफरेंट सेट ऑफ टीचिंग स्किल्स चाहिए बहुत सारे जो टीचर्स हैं दे आर नॉट टेक फ्रेंडली टेक्नोलॉजी में दे आर डिप्राइव्ड सो उनके लिए बहुत स्टीप लर्निंग कर्व है और तो वी नीड टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फैसिलिटेट करना जरूरी है इन चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए देन डिजिटल डिवाइड मतलब इनिक्वालिटी आ रही है पेडागोगिकल इशूज हैं बैड क्वालिटी एजुकेशन है अनवॉरटेड थ्रस्ट है ऑनलाइन एजुकेशन में विच अगेन शुड बी अवॉइडेड डिजिटल होना कोई सॉल्यूशन नहीं है अगर आप सिंपल सिंपल किताबें पढ़ रहे हैं द आई कीप ऑन सेइंग सिंपल सिम्पल बुक्स रीड इट राइट इट रीड इट रिवाइज इट मल्टीपल टाइम्स ये एनी डे बेटर है वॉचिंग दैन वॉचिंग विडियोज ऑल द डे सो डू दिस सेल्फ स्टडी भी अच्छी चीज़ होती है कॉन्फिडेंस खुद पर होना चाहिए अब इसमें रूरल स्टूडेंट्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा बुक्स नहीं है उनके पास क्रोजर हो गया है ए एस सी आर की सर्वे ने बताया कि वन आउट ऑफ थ्री रूरल स्टूडेंट का कोई लर्निंग एक्टिविटी नहीं हुआ है और इसमें स्पेशली वुमेन सेक्शन बहुत ज़्यादा दिस प्रभावित हुए है बिकॉज इसमें हमने देखा उनको डोमेस्टिक वर्क में मैरिज का प्रेशर ऐसे करके उनका जो स्टडी है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है गैप्स हैं लर्निंग में टेक्स्ट बुक एंड रिसोर्सेज स्ट्राइकिंग फाइंडिंग है गो थ्रू दिस पी डी एफ वंस इसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं जो हम रेगुलर बात करते हैं कि एजुकेशन में क्या प्रॉब्लम आ रही है अच्छा एजुकेशन तो एक चीज़ है साथ ही साथ हेल्थ भी है अब जैसे बच्चे स्कूल आते थे तो इनको हम मिड डे मील देते थे न्यूट्रिशन आंगनबाड़ी में बट अब स्कूल्स बंद हो गए तो ये सारा न्यूट्रिशनल बेनिफिट था ये भी बंद हो गया इसके अगेन सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस होंगे जैसे हमने पढ़ा था मेल न्यूट्रिशन की रिपोर्ट कि हंगर ग्लोबल हंगर इंडेक्स कुछ ही दिन पहले देखा कि क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं हमारे दिस यंगर जनरेशन में प्रॉपर फूड एंड प्रॉपर कैलोरी का इंटेक मिसिंग है तो ये जो कोविड नाइन्टीन का टाइम है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम है इसमें अब गवर्नमेंट को ज़रूरत है कि वो स्टेप अप करें कॉम्युनिकेशन में और एक्सेसिबिलिटी में ओवर्ट कमर्शलाइजेशन इज बैड अपसी एग्जाम्स हैं एग्जाम्स लॉस देयर क्रेडिबिलिटी कॉस्ट जो है हेल्थ का वो कंटिन्यूअस एक्सपोजर टू स्क्रीनज है डेंट कर रहा है फाइनेंशियल रिसोर्सेज सिग्निफिकेंट है टीचर्स के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी ऑनलाइन लर्निंग सीम्स टू बी अ केस ऑफ वर्किंग माइंडलेसली ये इंपॉर्टेंट वर्ड है वर्किंग माइंडलेसली स्टडीज में भी वर्किंग स्टडिंग माइंडलेसली इज बैड आप जो भी पढ़ रहे हो अगर आप उसका रिवाइज नहीं करोगे अगर आप उसको कंसोलिडेट नहीं करोगे आप सब भूल जाओगे दैट इज़ ज़ीरो इतनी मेहनत का जीरो रिजल्ट आएगा आप इवन जो आंसर्स भी लिख रहे हो ना आई कीप ऑन सेइंग उसको आप रिवाइज करो जैसे आपने दस दिन पहले एक आंसर लिखा था उसको रोज़ पाँच दस मिनट निकाल के एक बार जस्ट देखो आपको नए नए इंसाइट्स आएंगे आपको पता लगेगा अच्छा इसको मैं ऐसे करता तो बेटर होता ये होता तो अच्छा होता दिस इज़ रियली गुड सो दिस इज इम्पॉर्टेंट माइंडलेसली हार्डवर्क नहीं करना है इंटरनेट पेनिट्रेशन अभी भी बहुत कम है एफिशियट नहीं है देन विलेज में तो स्थिति और ख़राब है तो द पॉइंट इज कि यहाँ पर जो इन्फ्लुएंशियल एजेंसीज हैं सरकार के पास दो इन्फ्लुएंशियल एजेंसीज हैं उसको हम यूज़ कर सकते हैं टू ब्रिज द गैप प्लस ये एक और अच्छी चीज़ थी यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर साहब ने और प्रेसिडेंट साहब ने ये दो स्टेटमेंट दिए थे दीज वर रियली गुड एजुकेशन इज द मोस्ट इफेक्टिव मीन्स ऑफ सोशल जस्टिस एंड पर्सनल एडवांसमेंट देर इज़ नो बेटर इन्वेस्टमेंट दैन इन एजुकेशन टू इम्प्रूव द फ्यूचर ऑफ सोसाइटी एक्सिल नोटेड डाउन सिमिलरली प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा था एजुकेशन हमने पढ़ा था कॉन्ट लिस्ट में आता है सेवेंथ शेड्यूल में है जी डी पी का ज्यादा परसेंट एजुकेशन में दे उन्हें प्रिपेयर करें फॉर लाइफ एंड जॉब्स आई क्यू क्यू बोथ देन हमने देखा इश्यूज़ क्या हैं डिजिटल एक्सपेंडिचर कमर्शलाइजेशन एनरोलमेंट कम है कैपेसिटी यूटिलाइजेशन नहीं है स्टूडेंट टू टीचर रेशियो कम है एजुकेशन में क्वालिटी चाहिए डेमोक्रेटाइज करें एजुकेशन और रियल लाइफ स्किल्स के लिए भी उन्हें प्रिपेयर करें ये नहीं कि केवल किताबी कीड़े हैं और रियल लाइफ में वो अच्छा परफॉर्म नहीं करते ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ होता है कि स्कूल कॉलेज में तो वो बहुत अच्छे होते हैं बट जैसे ही स्कूल कॉलेज ख़त्म होता है रियल लाइफ चालू होता है दे स्टार्ट स्ट्रगलिंग अलॉट तो रियल लाइफ स्किल्स भी उन्हें देना है एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबिलिटी अब सी. यहां बेसिकली दो चीज की बात किया है कि गवर्नमेंट रिसोर्सेज हैं, उनको हम ज्यादा से ज्यादा यूज करें यहां दो चीज है ऑल इंडिया रेडियो एंड दूरदर्शन यहां से हम ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं लेसन प्रसार भारती एक्ट में ये मेंशन है हम टीचर्स को इन्वॉल्व करें अपसी एजुकेशन में ओवर कमर्शलाइजेशन होता है बिजनेस आता है मनी आता है तो जितने भी कॉल्स होते हैं एक्शंस होते हैं डिसीजंस होते हैं ये टीचर्स ने कॉरपोरेट लेने लग जाता है और कॉरपोरेट और स्टूडेंट के बीच में ये मिडल मैन आ गया टीचर एंड स्टूडेंट के बीच में ये कॉरपोरेट मिडल मैन आ गया दिस इज़ द मेजर प्रॉब्लम जिसके कारण एजुकेशन सफ़र करता है तो अगर एजुकेशन रिलेटेड डिसीजन जो भी लेना है तो इसमें ना तो ब्यूरोक्रेट्स बीच, बीच में आना चाहिए ना कॉरपोरेट बीच में आना चाहिए दिस इज़ अ मैटर बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट्स तो टीचर एंड स्टूडेंट्स को फोरफ्रंट पे रखना ज़रूरी है सपोर्ट करें मॉनिटर करें और फीडबैक भी दें अब दूरदर्शन है और ऑल इंडिया रेडियो है ये अपने चैनल्स के थ्रू ऐसे यहाँ पे रिसोर्स क्वालिटी वीडियोस प्रोवाइड कर सकते हैं एक और आइडिया है कि हम जैसे स्कूल टाइमिंग होता है स्कूल टाइमिंग से से नौ बजे से एक बजे तक है इस चार घंटे हम फ्री इंटरनेट कर दें फ्री आवर्स ऑफ इंटरनेट कर दें सो देट यहाँ पे इंटरनेट का दिस पैनिट्रेशन ज़्यादा हो अवेलेबिलिटी बेटर हो स्कूल आवर्स में दिस इज़ अगेन अ गुड आइडिया सो दिस इज़ मेकिंग एजुकेशन एक्सेसिबल ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें कई बार हमने आंसर्स भी लिखे हैं जैसे ये यूनेस्को वाले हमने दिन पढ़ा था फिफ्टी वर्ड्स में मिड डे मील स्कीम इन एजुकेशन सो इस पे विल डू इट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कीप अ टैब ऑन दिस टॉपिक देन हाई कोर्ट डिसमिस फेसबुक व्हाट्सएप डील्स आगे दिया हुआ है कोर्ट को डिसमिस फेसबुक व्हाट्सएप डील अगेन मैटर ऑफ प्राइवेसी ये जो न्यूज है डिस्ट्रिक्ट में कोविड नाइनटीन रिलेटेड न्यूज है एंड पॉलिटिकल न्यूज दिस इज द नेक्स्ट वन आई का कोविड केयर सेंटर फिर से रीओपन किया जा रहा है ऑक्सीजन ट्रेन सेट ऑफ है महाराष्ट्र से आएगी दिस इज सीक्रेट्स ऑफ समर वाइल्ड द सन शाइाइन्स डिजिटल इन द डिटेल अ डेली डोज ऑफ पॉजिटिविटी दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मोटिवेशन भी जो है ना वो कॉन्टिन्यूसली होना चाहिए पॉजिटिविटी भी होना चाहिए सो दैट दिस एंथुजियाजम लेवल हाई रहे तो ये एक फॉर्मर नेवी ऑफिसर है ये भी ऐसे नगेट्स ऑफ विजडम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं देर इज नो डर्थ ऑफ रीजन टू बी हैप्पी इन दिस वर्ल्ड जो आप चाहोगे वो आपको मिलेगा देर इज नो डर्थ ऑफ रीजन टू बी हैप्पी इन दिस वर्ल्ड इट्स देयर ऑल अराउंड अस हिडन इन अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड बाई यू आप थोड़ा सा नोटिस करो हैप्पी पीपल आर मोर सक्सेसफुल हैप्पी रहना एक आदत है जबरदस्ती है आदत कल्टिवेट करिए यू विल बी हैविंग wonderful results be happy positivity happy people are more successful in life then us will cut emission by 52% by 2030 परसेंट बाई ट्वेंटी थर्टी जो बाइडन ने ये स्टेटमेंट्स दिए अभी लीडर समिट था क्लाइमेट पर जो बाइडेन का क्लेरियन कॉल है सभी कंट्रीज को बोला कि आप क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड एफर्ट्स डालें वर्ल्ड लीडर्स ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंजन है इससे जॉब क्रिएशन भी होगा क्लाइमेट रेस्पॉन्स में कॉमन बट डिफ्रेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी इंडिया मांगता है इंडिया बोलता है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करें अडेप्टेसन फंड करें ये जो गो ग्रीन की बात करते हैं इसमें बहुत पैसा लगता है सो गिव दैट मनी अडेप्टन फंड ग्रीन कोलाबोरेशन होना जरूरी है इंडिया यूएस क्लाइमेट एंड क्लीन एनर्जी एजेंडा ट्वेंटी थर्टी पार्टनरशिप होगी की वर्ड्स हैं क्लीन एनर्जी एनर्जी एफिशेंसी अफॉरेस्टेशन एंड बायोडाइवर्सिटी अब इसमें बात आता है एन डी सी का नेशनली डिटरमाइंट कॉन्ट्रीब्यूशन जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने हाईलाइट किया ये टारगेट करता है हम खुद ही से बता रहे हैं हम इतना कट करेंगे फोर्स नहीं विलिंगली नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन पेरिस अग्रीमेंट के बिहाफ में ये कुछ ऑब्जेक्टिवज हमने लिए थे हमारा टारगेट होगा कि ग्लोबल वार्मिंग को बिलो टू डिग्री सेंटीग्रेड रखना है दिस प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन जो लेवल था प्रेफरेबली वन पॉइंट फाइव डिग्री सेल्सियस इससे ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग नहीं होनी चाहिए दो से कम इंडिया टारगेट कर रहा है इसमें ट्वेंटी थर्टी में जी डी पी इंटेंसिटी जो है वॉल्यूम ऑफ एमिजन पर यूनिट ऑफ जी डी पी थर्टी थ्री परसेंट थर्टी फाइव परसेंट टू थाउजेंड फाइव लेवल से बिलो करेंगे हम जी डी पी वॉल्यूम ऑफ एमिशन कितना कार्बन एमिशन हो रहा है वॉल्यूम ऑफ एमिशन पर यूनिट ऑफ जी डी पी जी डी पी के कॉन्टेक्स्ट में जी डी पी के प्रपोर्शनेटली वो करीब तैंतीस से 35 परसेंट बिलो होगा जो लेवल 2005 में था 2030 तक का पहला टारगेट तो ये है दूसरा 40 परसेंट जो पावर होगी वो जनरेट करेंगे नॉन फॉसिल फ्यूल से मतलब कोल पेट्रोल से अलग बाय 2030 इसी के लिए हमने दिस इंटरनेशनल सोलर अलायंस सोलर एनर्जी पे भी फोकस कर रहे हैं सो तो ये सेकेंड क्वेश्चन फॉर टूडे इज प्रिपेयर अ नोट ऑन इंडियाज एफर्ट्स टूवर्ड्स मिटिगेटिंग क्लाइमेट चेंज इसमें आप सब देख डालो इंडिया ने क्या क्या एफर्ट्स किए क्या क्या प्रोग्राम्स हैं क्या मिनिस्ट्री का डायरेक्शन है जो हम क्लाइमेट चेंज के लिए कर रहे हैं पेपर थ्री का सवाल है ये प्रिपेयर अ नोट ऑन इंडियाज एफर्ट्स टूवर्ड्स बिटिगेटिंग क्लाइमेट चेंज अगेन अ गुड क्वेश्चन अब हम ऐसे नोट बनाते हैं ना तो हम एक नोट बनाते हैं और इसका यूटिलिटी बहुत जगह पर है अब एक ये सवाल करो इस सवाल से आपको इतने सारे लर्निंग एंड कंटेंट होगा कि आपको इसको सोशोलॉजी में भी कर सकते हो इकोनॉमी एम्प्लॉयमेंट में भी यूज़ कर सकते हो एथिक्स में भी यूज़ कर सकते हो तो दिस इज द वे दिस इज़ अ स्मार्ट वे टू प्रिपेयर एक क्वेश्चन तैयार करेंगे और उसको कई जगह हम यूज़ करेंगे देन दिस इज़ की रिफॉर्म्स लाइक पी एस बी प्राइवेटाइजेशन और डी एफ आई हेल्प करेगा इकोनॉमी को सी ऑस्ट्रेलिया एंड चाइना दोनों अभी बिल्कुल जम नहीं रही है इनकी नेशनल इंटरेस्ट ग्राउंड पे बीजिंग ने रिब्यू किया कैनबरा को कैपिटल कैनबरा है ऑस्ट्रेलिया का कोल्ड वॉर चाइनीज डिफेंस मिनिस्टर अभी श्रीलंका विजिट कर रहे हैं इसराइल एंड सीरिया फिर लड़ रहे हैं रशिया ने बोला है ट्रूप वापस बुलाओ यूक्रेन से अगेन एक होता है टैक्टिक होता है वॉर में ब्रिंग्स मैनशिप मतलब एकदम वर्ज ऑफ वॉर पे आप आ गए हो बट वॉर नहीं करोगे जस्ट टू थ्रेटन और सेंड अ मैसेज ये यूक्रेन में रशिया रशिया मैस्क यहाँ पे काफी ज्यादा दिस हार्ड स्टैंड ले रहा है मिलिट्री एंड दिस ग्लोबल अफेयर्स में आईसीआर की रेटिंग्स हैं अगेन कोविड नाइनटीन देखते हैं अगले पंद्रह दिन बहुत इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्री अर्ज फाइनेंस मिनिस्टर टाइमलाइन फॉर कॉम्प्लायंस को बढ़ाएं। कोविड नाइन्टीन का इम्पैक्ट देन एक्सेंचर सी एक्सेंचर्स मैनन इज चेयरपर्सन ऑफ नेस्कॉम नेशनल एसोसिएशन सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी रेखा एम मैन चेयरपर्सन एंड सीनियर मैनेजर एक्सेंचर की अभी नेस्कॉम की चीफ होंगी आई बी एस सजेस्ट रिस्ट्रिक्टिंग बैंक अशोक लीलैंड अ फ्रेंडली प्लीज एंड सरप्राइज एंड कल फिर से दिस आई पी एल में आर सी बी जीत गई देन ये इंडियन एक्सप्रेस है सेकेंड वेव विल नॉट अफेक्ट बिग रिफॉर्म पुश सीतारमन मैम ने कहा कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करना है माइग्रेंट इशूज को देखना है फ्लाउटिंग ऑफ कोविड नॉर्म इज बैड पिक्चर्स आर नॉट ए टॉल गुड देर वेरी ग्रिम ड्राइव दिस इज बैंगल सी आज क्या है वर्ल्ड बुक डे है वर्ल्ड बुक डे बुक्स बुक्स रीड आपकी फेवरेट बुक कौन सी है जिसने काफ़ी ज्यादा अच्छा इम्पैक्ट किया रिसेंटली आई रेड दिस ज्यादा टाइम नहीं मिला यू वल नोवा हरारी की ट्वेंटी पढ़ा देन हमारे जयशंकर साहब की एक बुक है उसको भी आई रेड बुथ आर वेरी गुड बुक्स ट्वेंटी बुक्स टू पुट ऑन योर मस्ट रीड लिस्ट दैन टू थाउजेंड फोर्टीन कोविड वन नेशन वन प्राइज वैक्सीनेशन का प्राइसिंग कैसे करें दिस इज अबाउट रेसिजम लाइफ इन फेथ पोलिटिकल ह्यूमेनिस्ट लेसेंस कोविड टॉट रॉन्ग बैलेंसिंग एक्ट पैलेजर इन स्टेट कैन नॉट बी इक्वेटेड विदेस्परेट सिटीजनरी चाइना ने कैसे कंटेन किया वायरस चाइना का तो मीडिया भी फ्री नहीं है गुजरात नेवी सील्स वेसल्स इंडोनेशिया की सबमरीन को ढूंढेंगे करंट क्राइसिस कैसे हुआ आर मैन मोर वलनरेबल टू कोविड ये डेटा है अप टू टू टाइम्स ज़्यादा डेथ होता है मैन का वलनरेबल टू कोविड और ये भी अलग अलग रेसिस में ये देखा गया है कि लाइक एशियन मैन एंड वुमेन में क्या है अमेरिकन कॉकेशियन में या फिर अफ्रीकन में इन जनरल मैन आर मोर वलनरेबल टू कोविड वैसे भी मैन बायोलॉजिकली इमोशनली दे आर नॉट एज स्ट्रोंग एज वुमेन देन दिस इज वेर आर डिजिटल करेंसीज हेडेड यू एस प्लेज टू हैविट्स एमिजन जो बाइडन लीगल केस एस्ट्रा जेनिका देन दिस इज बिल्डअप नियर यूक्रेन रशिया ने नवलनी एंड दिस इज आर बी आई गवर्नर अगेन सिचुएशन इज नॉट गुड राइजिंग केसेज एंड सिंगल बिगेस्ट चैलेंज टू रिकवरी इकोनमी में जस्ट वेट एंड वॉच फॉर कॉन बेसिक्स ये थ्यूरीज जो है ना ये दिनों दिन चेंज होगी कौन सी करेक्ट होगी कौन सी इनकरेक्ट होगी यू डोंट नो सो so, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है कि क्या होगा क्या नहीं होगा बिकॉज किसी को कुछ भी नहीं पता है सी आर गवर्नर को ही नहीं पता तो फिर हम वॉट वॉट टू से सो द पॉइंट इज जस्ट फोकस ऑन बेसिक्स बेसिक्स कोविड नाइन्टीन कैसे आगे ट्रेजेक्ट्री चलती है उस पर सारी कंडीशन डिपेंड करेंगे वैक्सीनेटिंग एवरी वन अबव एटीन ईयर्स टू कॉस्ट जीरो पॉइंट थ्री सिक्स परसेंट ऑफ जी डी पी बट इसके रिजल्ट अच्छे आएंगे वैक्सीनेशन से हॉस्पिटलाइजेशन का थ्रेट नहीं आता है तो दैट इज़ वाई वैक्सीनेशन इज इंपॉर्टेंट फ्लेक्सिबिलिटी इन वैक्सीनेशन प्रोसेस आर बी आई अलाउस कमर्शियल बैंक तो ये है इंडियन एक्सप्रेस सी मूव करते हैं हम हिंदी में प्रेस की स्वतंत्रता संविधान में अनुच्छेद उन्नीस में वाक बोलना और अभिव्यक्ति एक्सप्रेशन की स्वतंत्रता की गारंटी देता है वाक स्वतंत्रता इत्यादि के संबंध में कुछ अधिकारों के संरक्षण से संबंधित है प्रेस की जो स्वतंत्रता है वो भारतीय कानूनी कानूनी प्रणाली द्वारा स्पष्ट रूप से संरक्षित नहीं है मतलब डायरेक्टली उसको प्रोटेक्शन नहीं है लेकिन संविधान के अनुच्छेद उन्नीस संरक्षित है इनडायरेक्टली उसको यहाँ पे प्रेस फ्रीडम दिया है जिसमें कहा गया है सभी नागरिकों को वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार होगा तो डायरेक्ट मेंशन नहीं है बट इनडायरेक्टली मेंशन है फंडामेंटल राइट्स में 1950 में रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि सभी लोकतांत्रिक संगठनों की नींव प्रेस की स्वतंत्रता पर आधारित होती है दैट इज वाई इसको फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी भी बोलते हैं प्रेस की स्वतंत्रता भी असीमित नहीं है अब अगेन कोई भी फंडामेंटल राइट right होता है वो एब्सोल्यूट नहीं होता है आपका फंडामेंटल राइट right है सामने वाले का भी फंडामेंटल राइट right है आप आपका फंडामेंटल राइट right है तो जो फ्रंटलाइन स्टाफ है डॉक्टर्स है मेडिकल प्रैक्टिशनर एक्सेट्रा है उनका भी फंडामेंटल राइट right है सो दिस ऑल इज नॉट एब्सोल्यूट ये सारे प्रपोशनल होते हैं तो ये असीमित नहीं है क्वालिफाइड होते हैं फंडामेंटल राइट कानून इस अधिकार के प्रयोग पर केवल उन प्रतिबंधों को लागू कर सकता है जो नाइनटीन टू के तहत इस प्रकार है जैसे आपको बोलने का अधिकार है फ्रीडम का अधिकार है आपको प्रेस का अधिकार है बट इट ड मीन की यू कीप ऑन एंट्रोपी एंड क्रिएट अननेसेसरी हर्डल फॉर द स्टेट संप्रभुता अखंडता से संबंधित मामले हैं राज्य की सुरक्षा है विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध है सार्वजनिक व्यवस्था शालीनता जरूरी है नैतिकता जरूरी है न्यायालय की अवमानना है मानहानि है अपराध को आप प्रोत्साहित कर रहे हो ये चीज़ें अगर आप कर रहे हो तो आपका ये राइट आप पे फिट नहीं होगा दैट इज वाई क्वालिफाइड है ये इसके अंतर्गत प्रेस को हम यहाँ पे स्टॉप कर सकते हैं तो प्रेस की स्वतंत्रता है पर यह असीमित नहीं है इस पर एक दिस एक सर्टेन रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी हैजू बी दैर अब अब जो नेक्स्ट है दैट इज प्रॉफिट सी सेट का था कॉस्ट प्राइस हंड्रेड है प्रॉफिट तीन सौ बीस है तो सेलिंग प्राइस कितनी हुई प्रॉफिट इतना हुआ प्रॉफिट प्लस सी पी इज सेलिंग प्राइस नई सी पी में ट्वेंटी फाइव परसेंट अप कर दिया तो सौ की जगह अब एक सौ पच्चीस हो गई नई सेलिंग प्राइस अभी भी उतनी है तो अब प्रॉफिट कितना होगा कम हो जाएगा बिकॉज कॉस्ट प्राइस बढ़ गई तो नया प्रॉफिट टू नाइन्टी फाइव हुआ परसेंटेज हमेशा हम कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं तो टू नाइन्टी फाइव अपन फोर ट्वेंटी इन हंड्रेड अब दैट इज़ सेवेंटी But see, but see, पे क्या लिखा था अप्रोक्सीमेटली वॉट परसेंटेज ऑफ द सेलिंग प्राइस इज द प्रॉफिट यहाँ पे हम कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं प्रॉफिट बट यहाँ एक्सक्लूसिवली पूछा है तो स्पेसिफिकली की वॉट परसेंटेज ऑफ द सेलिंग प्राइस इज द प्रॉफिट तो इसलिए यहाँ पे चार सौ बीस किया है ओके कॉस्ट प्राइस छी का एक है तो सेलिंग प्राइस छ टॉफी का एक सौ बीस परसेंट बिकॉज ट्वेंटी परसेंट गेन है तो वन ट्वेंटी रुपी वन वन ट्वेंटी मतलब एक सौ बीस अपॉन सौ दैट इज छः बाय पाँच तो बाय पाँच हो गया तो मतलब छः बाय पाँच रुपये में वो टॉफी बेच रहा तो 6. तो 6 है तो एक रुपए में कितना बेचेगा पाँच बाय छः तो सिक्स बाय फाइव में सिक्स है तो एक रुपये में टॉफी सोल्ड होगी फाइव बाय सिक्स और यहाँ पे ये यह हो जाएगा सिक्स इंटू फाइव बाय सिक्स दैट इज फाइव सिक्स इंटू फाइव बाय सिक्स दैट इज फाइव ये ये इसका यूनिटरी मैथड है सो दैट इज दिस अब कॉस्ट प्राइस है एक्स तो अगेन इक्वेट कर दीजिए सेलिंग दिस कॉस्ट अपॉन कॉस्ट दिस अगेन नया सेलिंग प्राइस हो जाएगा दिस माइनस दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू हंड्रेड तो नाइनटीन ट्वेंटी माइनस एक्स इज दिस एक्स इज इक्वल टू सिक्सटीन हंड्रेड क्वेश्चन में लिखा था परसेंटेज प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर नाइनटीन ट्वेंटी दिस इज इक्वल टू परसेंटेज लॉस एंड बाय सेलिंग द सेम आर्टिकल फॉर ट्वेल्व एटी तो ये हुआ प्रॉफिट परसेंट ये हुआ लॉस परसेंट लॉस है इसलिए एक्स माइनस सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस प्रॉफिट है इसलिए सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस और नीचे तो कॉस्ट प्राइस ही आएगा सो दिस पर एक्स इज इक्वल टू सिक्सटीन हंड्रेड सेलिंग प्राइस हमें पच्चीस परसेंट प्रॉफिट लाना है मतलब वन ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ x मतलब वो दो हजार रुपये हो गया अब ये सवाल है ट्रेन एक सौ पच्चीस मीटर लॉन्ग है पास अ मैन रनिंग एट फाइव किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन

सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए सॉल्व दिस क्वेश्चन ट्रेन पासेज द स्टेशन प्लेटफॉर्म थर्टी सिक्स सेकेंड में मैन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म इन ट्वेंटी सेकेंड में अब प्लेटफॉर्म है ना तो इसका भी एक लेंथ है मैन है इसका लेंथ नहीं है तो जब आप प्लेटफॉर्म देखोगे तो प्लेटफॉर्म की लेंथ को भी फैक्टर इन करना है जबकि एक सिंगल मैन है तो वहाँ पे दिस फैक्टर इन नहीं होगा इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज फिफ्टी फोर किलोमीटर पर आवर व्हाट इज द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म सो दीज आर थ्री क्वेश्चन फॉर टूडे आंसर डेली प्रैक्टिस समथिंग हर दिन अगर थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करते हैं ना वो मच बेटर है आखिर में ऐसे बिंज करने से सो स्टडी समथिंग एवरीडे सॉल्व दीज थ्री क्वेश्चन देन दिस इज प्रेस की स्वतंत्रता आर बी आई वैक्सीनेशन दिस इज क्लाइमेट ये क्वेश्चन है इंडिया के जितने भी एफर्ट है ना क्लाइमेट मिटिगेशन से रिलेटेड सब आप लिख डालो देन दिस इज यूज गवर्नमेंट रिसोर्सेज मेकिंग एजुकेशन एक्सेसिबल ग्रीन एंड लॉ प्रिपेयर करें कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के फंक्शंस देन आप लक्ष्मीकांत ओपन करो बड़े अच्छे से सिस्टमेटिकली दिया हुआ है पे व्हाट इज प्रोनिंग सो दिस इज ट्वेंटी थर्ड ऑफ अप्रैल टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी वन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टेक केयर स्टडी वेल एंड बी सेफ